अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये देखें आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स सब्ज़ी, जो कि सब्ज़ियाँ वेजिटेबल्स आर माई मोस्ट फेवरेट, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू चिकन और जो है मटन। तो जी आज हमारे शेफ़ भी नहीं है हमारे साथ, और ये देखें सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म किया है और ऑयल में मैंने थोड़ी सी दालचीनी एक डाल दी और थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। ठीक है जी, बहुत ही यमी सी हम आज सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। और आप यहाँ देखें, कल मैंने खुद देखा था मार्केट में, ये मुझे मिल रही थी गोभी और ये मटर फ्रेश, मैंने देखे मुझे बड़े अच्छे लगे, तो आई कैन नॉट रिजिस्ट माई सेल्फ और मैंने ये ले लिए। अब हम ये इसमें ऑयल गर्म किया, इसमें डाल दिए दोनों चीज़ें। जी अब देखिए हमने इनसे थोड़ा सा घुमा लेना है और ये मैंने मीडियम गैस फ्लेम पे इसको पकाना है। ठीक है जी, तो हमने इसको थोड़ा सा ये घुमा दिया और हमारे ऑयल की आवाज़ भी शुक्र है थोड़ी कम हो गई। अब मैं इसके साथ ही इसमें डालूंगी, ये देखिए मैंने एक छोटा सा प्याज काटा है और तीन चार हरी मिर्च है, ये भी मैंने साथ ही डाल दी। हम जो भी चीज़ बनाते हैं झटपट बनने वाली चीज़ें होती हैं और यमी भी होती हैं। तो अब ये देखें ये हमारा पक रहा है, अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसमें सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी ये देखें ये मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, ये सॉल्ट भी वो जो लोकल सॉल्ट होता है वो है, ये आयोडाइज सॉल्ट नहीं है, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट के साथ आप सुनते हैं कि बहुत सी मिथ्स हैं या फैक्ट्स हैं रिलेटेड हैं, तो इस डर की वजह से मैं तो नहीं डालती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें ये जो लोकल सॉल्ट होता है वही डाला करें। अच्छा जी ये अब जो है हमारा ये इसी फ्लेम पे पकेगा, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए सारी चीज़ें, तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर साथ डालेंगे। मैंने अपनी सारी वेजिटेबल ढकनी थी और देखिए सब सॉफ्ट हो गई हैं, ज़बरदस्त हो गई हैं। ठीक है जी अब इनको हम यहाँ पर थोड़ा सा घुमा लेंगे और फिर इसमें हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये मेरे पास जमी हुई अदरक लहसुन है और ये मैंने डाल दी। ठीक है बस अब हम इसको इसी पे अपनी सब्जियों को थोड़ा कलर चेंज करेंगे, जैसे इनका कलर चेंज हो जाएगा हम टमाटर डालकर फिर से इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर अब देखिए हमारी सब्जियों ने बहुत प्यारा कलर चेंज कर लिया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी। लाल मिर्च पाउडर, आप अगर चाहें तो धनिया पाउडर डाल सकते हैं, हमें उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो हम धनिया पाउडर नहीं डालते हैं। और मैं थोड़ा इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, और ये भी बहुत मज़े का टेस्ट देता है, ये मेरे पास शाम का चाट मसाला है तो मैंने डाल दिया। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ टमाटर और बस अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। गोभी और हमारे मटर पक चुके हैं और प्याज भी हमारा गल चुका है। तो देखें व्यूवर्स 5 मिनट हो गए, 5 मिनट मैंने इसको ढक कर पकाया और ये देखें हमारी ज़बरदस्त जमीन मज़ेदार हेल्दी आपकी जो है सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। बहुत से लोगों का ये गलत कॉन्सेप्ट होता है कि सब्ज़ी में अगर हमने ज़्यादा गरम मसाले डाले, ज़्यादा चीज़ें डालें तो बहुत मज़े की बनेगी, बल्कि खाने में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम जितने कम मसाले जितने कम स्पाइसेस रखकर सिंपल चीज़ बनाएंगे वो आपकी चीज़ उतनी ज़्यादा मज़े की और हेल्दी बनेगी, और हमारा कुकिंग ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे भी आप उसकी न्यूट्रिशन ख़त्म कर देते हैं। तो जी हमारी ये ज़बरदस्ती वो भी तैयार हो चुकी है मिक्स वेजिटेबल, और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल रेडी हो चुकी है, ना इसमें हमने ऑयल ज़्यादा डाला है, ना इसमें हमारे मसाले ज़्यादा डाले हैं, हेल्दी बहुत ही यमी बहुत ही मज़ेदार आपकी सब्ज़ी है। सब्ज़ियाँ हमें ज़रूर खानी चाहिए, डॉक्टर्स की भी एडवाइस होती है, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर मैंशन किया करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज़ बुरी लगी, ताकि हम जो बुरी चीज़ है उसको इम्प्रूव करें और जो अच्छी चीज़ है उसको और प्रमोट करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।